भारत की सबसे तेज और आधुनिक ट्रेन वंदे भारत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक पुराना इंजन वंदे भारत ट्रेन को खींचते हुए दिखाई दे रहा है। 16 सेकंड के इस वीडियो में वंदे भारत ट्रेन के आगे एक पुराना इंजन लगा हुआ है और ट्रेन काफी तेजी से गुजर रही है। वंदे भारत ट्रेन के वीडियो को देखकर लोग हैरान हैं। लोग इस वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं और अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। वीडियो को देखने के बाद कई लोग हाई स्पीड ट्रेन के दावों को लेकर सरकार की आलोचना भी कर रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये वीडियो 22 जून को उत्तर प्रदेश के सकलडीहा रेलवे स्टेशन के पास शूट किया गया था। शशांक जायसवाल ने सबसे पहले अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर इस वीडियो को शेयर किया। उन्होंने बताया था कि वंदे भारत ट्रेन को चेन्नई की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री से पटना ले जाया जा रहा था। जायसवाल ने लिखा था कि वंदे भारत में चालक दल का कोई सदस्य मौजूद नहीं था, इसलिए इसे बैग 9 क्लास इंजन से खींचा जा रहा था। वहीं वंदे भारत का वीडियो वायरल होने के बाद रेलवे ने भी इसको लेकर जवाब दिया है। रेलवे ने ट्वीट करके बताया है कि खाली कोचिंग रेल कमीशनिंग के लिए जा रही थी। रेलवे के अनुसार जब ट्रेन को शुरू में पटरियों पर लाया जाता है तो उसका रूट तय होने तक उसे दूसरे इंजन के जरिए खींचा जाता है। रूट तय हो जाने के बाद ही किसी ट्रेन को उसके लोको पायलट और क्रू मेंबर्स की ओर से चलाया जाता है।